हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू 1% कंपनी। वैसे तो 1% कंपनी भी प्राइवेट कंपनी ही होती है। 1% कंपनी के नाम के आगे आप प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ जरूर देखेंगे, ब्रैकेट में ओपीसी लिखा होता है। 1% कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 62 में डिफाइंड है, एंड 1% कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 62 में डिफाइंड है, प्राइवेट कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डिफाइंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी का एक सब सेगमेंट है। 1% कंपनी में सिर्फ एक मेंबर रिक्वायर्ड होता है और प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन क्या किसी प्राइवेट कंपनी को 1% कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो इसका आंसर हमें दिया रूल 7। रूल 7 ने हमें इसका आंसर दिया कि हाँ, किसी प्राइवेट कंपनी को 1% कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप जानते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि अब नंबर ऑफ मेंबर सिर्फ रहेगा 1, क्योंकि 1% कंपनी में सिर्फ एक मेंबर होता है और एक नॉमिनी होता है। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स होते हैं, तो अब उस प्राइवेट कंपनी का साइज और छोटा हो गया है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है। हर प्राइवेट कंपनी 1% कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कंडीशंस क्या क्या हैं? देखिए, फर्स्ट कंडीशन है इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज ₹50 लाख और लेस। यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है उसकी जो पेड अप कैपिटल है या तो 50 लाख रुपए है या उससे कम है। आपको शायद याद होगा कि स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया भी यही था, जिस कंपनी की प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से एक्सीड ना करे उसे हम स्मॉल कंपनी कैटेगरी में रखते हैं, और स्मॉल कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी होनी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख या उससे कम है तो उसे कन्वर्ट किया जा सकता है 1% कंपनी में। साथ ही साथ 50 लाख या उससे कम हो, साथ ही साथ उस प्राइवेट कंपनी ने नो ऑब्जेक्शन लिया हो इन राइटिंग फ्रॉम मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स बिफोर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। प्राइवेट कंपनी को भी ओपीसी में कन्वर्ट करने के लिए पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से पहले क्रेडिटर्स और मेंबर्स का अप्रूवल लेना होगा। अगर क्रेडिटर्स और मेंबर्स से यहाँ मतलब किससे है? शेयर होल्डर्स। अगर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल गया है तो उस प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी के साथ उसकी एक कॉपी, उस स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी, ये वो रेजोल्यूशन है जो प्राइवेट कंपनी की जनरल मीटिंग में पास किया गया था। विद इन 30 डेज। देखिए, इस एसआर को फाइल करना होगा रजिस्ट्रार के पास विद इन 30 डेज। तो अगर कंपनी ने आज स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, पहले क्रेडिटर्स और मेंबर्स की अप्रूवल ले ली है, आज एसआर पास कर लिया जनरल मीटिंग में, नेक्स्ट 30 डेज में उस स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी की फाइलिंग करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास। साथ ही साथ रजिस्ट्रार को पूरी डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेगी कंपनी को, अपने मेंबर्स की, क्रेडिटर्स की, जो नो ऑब्जेक्शन लिया, ये सारी बातें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास डिपॉजिट करनी होगी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कौन सा होगा? जिस रजिस्ट्रार के ज्यूरिसडिक्शन में वो कंपनी आती है। तो अगर मेरी कंपनी का ऑफिस दिल्ली में है तो मुझे ये फाइल करना होगा दिल्ली आरओसी के पास। दिल्ली आरओसी मैंने इसकी फाइलिंग कर दी, उसके बाद मुझे आरओसी से अप्रूवल मिलेगा। खैर, जो एप्लीकेशन जो कंपनी फाइल करती है उसके लिए एक फॉर्म है INC 6, कन्वर्जन का जो फॉर्म है उसके फॉर्म का नाम है INC 6। रजिस्ट्रार उसके बाद कंपनी को एक नया सर्टिफिकेट देगा, द सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन। रजिस्ट्रार शैल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन, और उसके बाद अब वो प्राइवेट कंपनी 1% कंपनी में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 8 कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है। अगर सेक्शन 8 कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, ऑल दो नाम के आगे PVT लिमिटेड नहीं लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड लिखा नहीं होगा, सेक्शन 8 कंपनी को 1% कंपनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, चाहे सेक्शन 8 कंपनी इन सारे क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई कर रही हो, चाहे उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख या उससे कम हो,
चाहे उसके मेंबर्स कई टेस्ट ने अप्रूवल दे दिया हो, चाहे SRB पास कर दिया हो, लेकिन कंपनीज एक्ट में इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एंड एक्सप्रेस रिस्ट्रिक्शन है दैट सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ए 1% कंपनी, उसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 1% कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, 1% कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने कुछ प्राइवेट कंपनी के कन्वर्जन के एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।